नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए मीरा सायाल का फेमस नॉवल अनीता एंड मी की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। लेट अस स्टार्ट अनीता एंड मी। ये स्टोरी है, एक छोटा सा गांव है इंग्लैंड का जिसका नाम है टोनिंगटन। 1970s का टाइम है और ये स्टोरी है 9 साल की एक लड़की जिसका नाम है मीना कुमार, जो कि इंडियन इमिग्रेंट प्रवासियों की बेटी होती है। ये लड़की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को डिफाइन करना चाहती है क्योंकि ये एक इंडियन बैकग्राउंड की लड़की है और एक छोटा सा गांव से आई है, और इसलिए ये इंग्लिश सोसाइटी को दिखाना चाहती है कि मैं कौन हूँ। जब नोवेल की शुरुआत होती है तो मीना को उसके पापा एक झूठ बोलते हुए पकड़ देते हैं। डांटने के बाद वो एडमिट कर लेती है कि मैंने मम्मी से पैसे लिए थे मिठाई खरीदने के लिए, जिससे उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। वैसे मीना अपने मम्मी पापा के बहुत नज़दीक होती है, लेकिन वो क्या देखती है कि मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। वो एक तरह से विद्रोह करना चाहती है। इसकी फैमिली के कुछ जानकार रहते हैं जिन्हें मीना आंटी और अंकल कहती है। हालांकि ये सब फ्रेंड्स हैं लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये मीना के घर में बार बार आते रहते हैं। ये जो कम्युनिटी है, ये इंडियन लोग हैं जो वहाँ रहते हैं टोलिंगटन गांव के अंदर। अब इस कम्युनिटी वाले लोग मीना को पसंद करते हैं, मीना को प्यार करते हैं, लेकिन मीना भी इनको प्यार करती है। पर इसमें मीना को एक प्रेशर फील होता है कि उसे जो अपनी इंडियन गर्ल की ट्रेडिशनल इमेज है कि इंडियन गर्ल प्लीजेंट होती है, पोलाइट होती है, उस इमेज को कन्फर्म करना पड़ता है जब वो बाहर आउटडोर में कुछ टाइम निकालना चाहती है या गेम खेलना चाहती है। अब मीना को एक 13 साल की लड़की जिसका नाम है अनीता रूटर, वो मिलती है तो हर सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। वो बड़ी हैरान होती है कि अनीता किस तरह से अपने दिमाग की बात, दिल की मतलब खुलकर बात करती है। अनीता एक दो फ्रेंड्स हैं अनीता की जिनका नाम है शैरी और फैट सैली, इनके ग्रुप की लीडर होती हैं और मीना इस अनीता की फॉलोअर भगत बन जाती है। वो बड़ी खुश होती है कि मेरे को एक बड़ी लड़की के साथ टाइम पास करने का मौका मिल रहा है। तभी मीना देखती है कि एक लड़का है जिसका नाम है सैम लोब्रिज, जो कि 16 साल का है और वो टाउन रिबेल के नाम से फेमस है और वो उसको पसंद करता है। जब मीना बड़ी होती है तो वो कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू करती है जो उसने पहले कभी नहीं की होती है। वो सुनती है कि किसी बंदे ने उसको और उसकी माँ को ब्लडी वूक्स का है, वूक मतलब जिसे हम कह सकते हैं इंडियन या जो पर्सन वाइट ना हो। अब ये उसका पहला एनकाउंटर, इनडायरेक्ट एनकाउंटर होता है रेसिज्म के साथ। जब वो स्कूल में जाती है तो वो नोटिस करती है कि कई बार स्कूल बच्चे जो हैं उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, खास करके एक लड़का जो कि फैट सैली के साथ पेयर करना, जोड़ी बनाना पसंद करता है, उसके साथ पसंद नहीं करता है। फैट सैली एक मोटी लड़की है। मीना अपने पापा से इस बारे में बात करना चाहती है, पापा मम्मी से, पेरेंट्स से, पर वो उनको बर्डन देना नहीं चाहती है या उनके अंदर बैड फीलिंग्स लाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके मम्मी पापा ने भी अपनी लाइफ में रेसिज्म को एनकाउंटर किया होगा। मीना अपने घर पे काम करती रहती है। फिर वो एक ट्रबल में आती है जब एक बार पूरी फैमिली के सामने वो फाउल लैंग्वेज का प्रयोग करती है, गालियाँ निकाल देती है। जैसे अनीता गालियाँ निकालती है वैसे ही मीना भी गालियाँ निकाल देती है, जिसे पूरी फैमिली पर हैरान हो जाती है। मीना और अनीता काफ़ी टाइम साथ निकाला करते हैं और वो छोटे बच्चों को कन्विंस करते हैं भी चलो अपने गैंग बनाते हैं। मीना इनिशियली तो इन गेम्स को इंजॉय करती है, पर एक दिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि अनीता और बाकी छोटे बच्चों ने अनीता की बहन जिसका नाम है ट्रेसी, उसी को पकड़ लिया और उसे ह्यूमिलेट करना, उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया। इस पब्लिक में हुई बेइज्जती से मीना हैरान हो जाती है और वो कंक्लूड करती है कि लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ही ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं। ट्रेसी तो भाग जाती है, पर भागने से पहले मीना क्या देखती है कि ट्रेसी की जो थाई हैं, पट हैं, उनके ऊपर कुछ ब्रूज हैं, कुछ नाखूनों के निशान वगैरह है, जो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद वो सेक्सुअली अब्यूज्ड किया जा रहा है, उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है। फिर मीना और अनीता एक पार्टी अटेंड करते हैं। ये पार्टी गाँव के जो एक फेमस रिच पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर पैम्ब्रिज, वो देते हैं। इस पार्टी का नाम है फैट। इस पार्टी के अंदर सैम लोब्रिज जो है वो जोर जोर से अपनी जो वोक्स को नफरत करता है, उस नफरत के बारे में बताता है।
और भीड़ जो पार्टी में आए लोग होते हैं वो इस पर ताड़ी बजाते हैं। मीना जब ये सोचती थी कि सैम उसका दोस्त था और वो इस बिहेवियर से बड़ी हैरान हो जाती है और उसको ये भी फैक्ट का पता चलता है कि गांव वाले भी उसके साथ हैं। अब वो समझ जाती है कि कुछ लोगों के मन में रंग भेद की भावना भरी पड़ी है। जब मीना जाने लगती है अनीता उसे रोकती है और वो कहती है कि सैम कितना सुंदर है। गुस्से में आकर मीना अनीता को स्टूपिड कहती है जिससे दोनों की दोस्ती में थोड़ी सी दरार पड़ जाती है। मीना सोचती है कि अब मैं अनीता से दूर रहूंगी, फैमिली पे फोकस करूंगी और अपना पढ़ाई पे ध्यान दूंगी क्योंकि अभी उसका 11+ का एग्ज़ाम होने वाला है और वो जिससे कि शायद वो एक अच्छे उसको अच्छे मार्क्स आएंगे तो एक अच्छे ग्रामर स्कूल में उसका एडमिशन मिल जाएगा और वो इस छोटे गांव टोलिंगटन से बाहर निकल जाएगी। मीना पढ़ाई पे पूरा ध्यान देती है लेकिन पढ़ाई एग्ज़ाम की शाम को जब मीना के पेरेंट्स बाहर होते हैं ट्रेसी भागी भागी मीना के दरवाज़ा खटकाती है। वो मीना कहती चल मेरे साथ चल क्यों कोई बंदा मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। जब मीना उसके साथ जाती है बिग हाउस में तो वहाँ जाकर क्या देखती है कि सैम और अनीता सेक्स कर रहे हैं। ये एक फिजिकल एक्ट है जिसे ट्रेसी सोचती है कि शायद वो मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। अब उसे और भी गुस्सा आता है कि अनीता एक्चुअली सेक्स करना चाहती है। इससे ट्रेसी अनीता पे हमला कर देती है और दोनों भाग जाती हैं। सैम मीना को कहता है कि मेरे हमेशा मन में तेरे प्रति फीलिंग्स रही हैं। मीना उसे बताना चाहती है कि मुझे तुमने मेरी फीलिंग्स और तब हर्ट किया था जब पार्टी में तुमने वोक्स के बारे में बोला था। पर सैम कहता है कि मैंने तो दूसरों को बोला था। तभी अचानक वहाँ ट्रेसी आती है और वो सैम पे अटैक कर देती है। अब ऐसा करने के चक्कर में वो एक तालाब में गिर जाती है। इस चीज़ का मीना को पता चल जाता है कि सैम ट्रेसी और अनीता ये तीनों उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं इसलिए वो उनसे दूर हो जाती है। अब नोवेल का एंड आता है। मीना अपने 11+ एग्ज़ाम में बहुत कामयाब हो जाती है और उसकी फैमिली टोलिंगटन से बाहर चली जाती है। पूरी फैमिली यहाँ से जाकर खुश होती है और वो अब एक अच्छी नेबरहुड में जा रही होती है। लास्ट में अनीता मीना जाने से पहले अनीता के लिए एक नोट छोड़ती है पर उसे कभी भी उसका कोई जवाब नहीं मिलता और यहाँ पर ये नोवेल एंड होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में वर्क का नेम विद ऑथर का नेम जरूर लिखें। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हो। जय हिंद। जय भारत।